कर्मचारियों के महंगाई भत्ते डीए डियरनेस अलाउंस, आसान भाषा इस्तेमाल कर रहा हूं, महंगाई भत्ता जो हर 6 महीने में सरकार आपको देती है, क्योंकि महंगाई बढ़ती है तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए, उसको बराबर करने के लिए आपकी तनख्वाह में कुछ और पैसे जोड़ दिए जाते हैं कि महंगाई की मार आप पर ना पड़े। अब सरकार ने, केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2021 इस साल की शुरुआत से अगले साल 2021, 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक कोई भी महंगाई भत्ता ना देने का फैसला किया है। हर साल 2 बार महंगाई भत्ता मिलता है, लगभग 4%, तो 18 महीने कोई महंगाई भत्ता आपको नहीं मिलेगा। और कितने सरकारी कर्मचारी हैं देश में? 50 लाख, 50 से 54 लाख का आंकड़ा है। और इसमें जो पेंशन वाले हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जिन्होंने सालों देश की सेवा की, जिसकी एवज में उन्हें पेंशन मिलती है, उनको भी कोई महंगाई भत्ता नहीं मिलेगा। सरकार को प्रॉफिट होगा, फायदा होगा, बचत होगी 38,000 करोड़ की, लगभग 38,000 करोड़। और अब राज्य सरकारें भी उसी राह पर चल पड़ी है, वहां पर भी राज्य कर्मचारी होते हैं। उत्तर प्रदेश ने कह दिया 6 किस्तें हम नहीं देंगे, उत्तराखंड से भी ऐसे संकेत आ रहे हैं, सभी राज्यों ने यह कर दिया और वो कर सकते हैं, तो लगभग 82,000 करोड़ रुपए और बचेंगे, यानी कि 1.25 लाख करोड़ रुपए की ये बचत हो जाएगी। आपके, मेरे, हम सबके पैसों से सरकार बचत करेगी। लेकिन सेंट्रल विस्टा, जहां पर हमारी सरकारें काम करती हैं, नॉर्थ एवेन्यू, साउथ एवेन्यू, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, उसको अभी खूबसूरत बनाया जाएगा, उसका सौंदर्यकरण होगा, उसमें 20,000 करोड़ जरूर खर्च करेगी सरकार। अभी बुलेट ट्रेन चलनी बहुत जरूरी है देश में, उस पर 1,10,000 करोड़ जरूर खर्च करेगी सरकार, उसमें कोई कटौती नहीं है। 6 लाख करोड़ का सरकार का व्यय होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो हमारी सरकार चलती है ना, ये तामझाम, सरकारी तामझाम पर 6 लाख करोड़ रुपए हम खर्च करते हैं, उसमें कोई कटौती नहीं होगी। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या अब कटौती के साथ ही जीना सीखना ही होगा? और अब महंगाई भत्ते पर रोक सारे राज्यों में लगेगी। चर्चा से पहले अब बिजॉन, मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा, मतलब कटौती न्यू नॉर्मल है, हम कटौती करते रहे? नहीं, मतलब नहीं, सरकारी नहीं, कर्मचारी वही गाज झेलेगा, उस पर ही गाज गिरेगी, महंगाई भत्ता कटेगा सरकारी कर्मचारी का। ये जो 54 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, इनमें से 15 लाख तो सेना के अधिकारी हैं, सेना के हमारे बहादुर जवान हैं, जिनको महंगाई भत्ता नहीं मिल रहा है। आप समझ, 10 लाख पैरामिलिट्री फोर्सेज के सिपाही हैं, बहादुर हैं, नौकरी नहीं जा रहा है। नोबडी इज लूजिंग द जॉब, किसी का भी नौकरी नहीं जा रहा है सरकार तंत्र में। हाँ। ये समझ लीजिए बात को। नहीं नहीं, मेरा सवाल इसीलिए, मोहन गुरुस्वामी, मेरा सवाल ये है, आप आर्थिक सलाहकार रहे हैं वाजपेयी सरकार में, अगर सरकार को खर्चा काटना है तो ये ब्यूटिफिकेशन छोड़ दीजिए सेंट्रल विस्टा की, अभी बुलेट ट्रेन को बंद कर दीजिए, उस प्रोजेक्ट को। आम आदमी की वैसे ही परेशानियां बढ़ी हुई है, उस पर से आप महंगाई भत्ता काट देंगे, 50 लाख से 55 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, 65 लाख पेंशनर्स हैं, पेंशन लेने वाले हैं, वहीं पर ही कैंची चलेगी क्या? और कोई जगह नहीं बची? राज्य सरकारें भी महंगाई भत्ता काटेंगी, उत्तर प्रदेश ने, उत्तराखंड ने संकेत दे दिए हैं, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र में आपकी सरकारें हैं, क्या आप ऑन रिकॉर्ड बतौर राष्ट्रीय प्रवक्ता देशवासियों को, इन राज्यों के बाशिंदों को भरोसा दे सकती हैं कि राज्य सरकारें, आपकी राज्य सरकारें महंगाई भत्ते में कोई कटौती नहीं करेंगी? संदीप जी, अगर राज्य सरकारों के पास पैसा होता, जिन राज्य सरकारों ने आपका नाम लिया, जो चिट्ठी लिख लिख के प्राइम मिनिस्टर को हार गए, अगर उनके पास पैसा होता तो वो जरूर ये नहीं करती। मेरा सिर्फ इतना कहना है, इसका आप गोल गोल कर गई बात को गोल गोल कर गई, क्या राज्य सरकारें भत्ता नहीं काटेंगी? कांग्रेस शासित राज्यों में भत्ता नहीं कटेगा, आप दे दीजिए इस बात का भरोसा। तो मुझे नहीं करेंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा है 30 लाख करोड़ एक्सपेंडिचर बने थे, उसमें तो हम 30, ये बड़ा कन्वीनियंट है, यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है। नहीं नहीं सुप्रिया, यही तो प्रॉब्लम है। अब मैं आपको पंजाब की बात बताता हूँ, 2018 से अभी महंगाई भत्ता नहीं दिया गया है, 5,000 करोड़ का महंगाई भत्ता आउटस्टैंडिंग है पंजाब में 2018 से। आप अपने गिरेबान में भी तो झांकिए, आपकी राज्य सरकारें क्या कर रही है? दे देना चाहिए,
मैं अपने गिरेबान में झांक के बोल रही हूँ, उसको बिल्कुल दे देना चाहिए, ये मुद्दा उठाया जाएगा, अगर नहीं है तो बिल्कुल दे देना चाहिए। हम नैतिकता की सही तरफ खड़े होकर बात करते हैं, ये गलत बात आप कह रहे हैं। अगर पंजाब सरकार ने नहीं दिया, मुझे उस बारे में नहीं दिया, बिल्कुल दे देना चाहिए। मैं हर बात पुख्ता करने के बाद ही कार्यक्रम में बोलता हूँ, 5,000 करोड़ रुपए का बकाया है महंगाई भत्ता पंजाब में। अब ऐसे में सवाल ये है, देखिए बिजौंदा, आम आदमी ही बलि का बकरा है क्या? हम बकरा किसके ऊपर हैं? हमें काटते रहिए। कि कैसे स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं लेते कर रहे हैं, वाई दे पॉलिटिकल पार्टीज जो दूसरे पार्टी के लोग दूसरे स्टेट्स में हैं, वो क्यों नहीं है एग्जांपल सेट कर रहे हैं? वो क्यों नहीं दिखा सक रहे हैं कि हम एफिशिएंसी के साथ काम कर सकते हैं विदाउट कटिंग द पर उसमें बड़ा पर है, एक मिनट मोहन गुरुस्वामी, बड़ा पर ये है कि पैसा तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्पर्स करती है ना, इस संघीय ढांचे में पैसा तो केंद्र सरकार देगी। एक मिनट सुप्रिया, अभी मैं मोहन गुरुस्वामी से बात कर रहा हूं। मोहन गुरुस्वामी, सेंटर को ही तो पैसा देना है, प्रॉब्लम तो यहां पर यह आ रही है ना, क्या सरकार के पास पैसा ही नहीं है? मतलब हर तरह से कहीं ना कहीं से, मतलब असम ने सारी दुनिया में तेल के दाम नेगेटिव में चले गए, असम ने पेट्रोल और डीजल के दाम 5-5, 7-7 रुपए बढ़ा दिए, ये कहते हुए, ये तुर्रा देते हुए कि अभी पेट्रोल डीजल कोई खरीद नहीं रहा, तो बढ़ा भी दिए तो क्या फर्क पड़ता है? अब एक सरकारी कर्मचारी का दर्द समझिए, एक सैनिक का, एक पैरामिलिट्री फोर्स में मौजूद शख्स का, बॉर्डर पर जो दरअसल देश का फ्रंटलाइन वॉरियर 365 दिन 24/7 रहता है, वो टैक्स देता है ना गोपाल बाबू, टैक्स तो सरकार पहले ही काटती है, तो टैक्स तो कट ही रहा है। उसके बाद कि कोरोना संक्रमण फैल गया, एक दिन की तनख्वाह भी काट ली गई, कटी ना तनख्वाह भी कट गई, उसके बाद महंगाई भत्ता भी काट लो, नौकरी से ही निकाल दो, मतलब सारे बलिदान आम आदमी करेगा, कर्मचारी करेगा। मैं एक कर्मचारी की बात कर रहा हूं, सरकारी कर्मचारी, वो टैक्स भी देता है, एक दिन की सैलरी भी दे दी प्राइम मिनिस्टर फंड में, एक केयर फंड बना दिया, पहले ही रिलीफ फंड था उसमें 3800 करोड़ थे, उसका भी पूरा ब्यौरा नहीं मिलता। प्रिया, घूम फिर कर बात ये आ रही है, हम बलि का बकरा हैं, हम कटते रहेंगे। संदीप जी, मैं कुछ कहना चाह रही थी। हाँ बोलिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, आप बहुत दूर मत जाइए, अभी बजट खत्म हुआ है फरवरी में, 4,00,000 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ, इस दशा में कैपिटल एक्सपेंडिचर हो नहीं पाएगा, उसको क्यों नहीं काट सकते? 30,00,000 करोड़ का सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बजट है, एक्सपेंडिचर बजट के 30% काट दीजिए, आपके पास पैसा आ जाएगा। और एक बात सबको समझनी और याद रखनी चाहिए, और मैं जानती हूँ कि आपके जो आर्थिक विशेषज्ञ स्टालिन है, और आप खुद भी मानेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कैपेसिटी टू बोरो एंड टू रेज फंड इज मच हायर, मच वाइडर, ज्यादा ऑप्शन होते हैं देन स्टेट गवर्नमेंट, इसलिए